कट्टर हिंदू से आप मिलो, क्या कह रहा है ट्रक चल जाए लेकिन बीजेपी आएगी। देखो देखो मैं राहुल गांधी को पप्पू 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 देखो राहुल वो पप्पू है पप्पू। ये मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? शिवराज मामा बीजेपी मामा मोदी जी। मोदी क्यों? मोदी क्या भैया? हर घर मोदी क्यों? मोदी ने काम अच्छे किए हैं। मोदी ये तो देश है, नहीं तो कुछ नहीं है। भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? हम बीजेपी से संतुष्ट हैं। हाँ बस बात खत्म। ज्यादा संतुष्ट क्यों? हमें संतुष्टि, हमें जो चाहिए वो मिल गया। बस क्या मिल गया बताइए तो सही। चाहिए तो मिल गया, अभी ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, पर हमें मिल चुका संतुष्टि हम बीजेपी से। ये बताइए कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी शिवराज सिंह चौहान पे, अभी हमें कांग्रेस नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? मेरी बात सुनो, बीजेपी में बड़े नेता को बोलना आता, कांग्रेस में बड़े नेता को बोलना नहीं आता। और छोटे नेता राहुल गांधी हैं कहते, जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया है, उनको बोलना नहीं आता। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, नरेंद्र मोदी को बोलना आता है, एक्यूरेट बोलते हैं हर बात को। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आएंगे चुनाव का माहौल बदल, अभी उनको बोलना नहीं आता भाई। राहुल गांधी नहीं है क्या दमदार नेता? नहीं अभी नहीं है। तो मोदी की टक्कर में कोई नहीं? अभी कोई नहीं है, अभी मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। गठबंधन क्या मोदी को हरा पाएगा ये बताइए? अभी कोई नहीं हरा पाएगा मोदी को, कोई भी नहीं हरा पाएगा। कोई नहीं हरा पाएगा। आपने तिलक लगा रखा, आप भी समझ रहे अंदर से। लेकिन सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं गठबंधन के। अरे नहीं भाई, अभी मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। बोलने से हो जाता है क्या? वो तो सोच रख रहे हैं कि आप सरकार में आए करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सोच क्या कहेगी उन लोगों को? जनता मूर्ख नहीं है भैया, जनता सब समझती है, समझ रही है। आदमी बोल रहा है लेकिन इसके मन में सब है, वो आपसे बोल के नहीं बता रहा है, जो उसे करना वो कर देगा। वो मध्य प्रदेश की जनता उन लोगों को जवाब दे रही है, बिल्कुल दे रही है। हाँ मोदी को लाकर या बीजेपी को? बीजेपी को लाकर। अच्छा शिवराज जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो मंदिरों में भजन कीर्तन भी बंद हो जाएगा, क्या ऐसी उम्मीद है? ये सब तो चुनावी बातें, वो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी आ रही है एमपी के अंदर में। बीजेपी आ रही है। हाँ जी। कांग्रेस आ गई तो क्या होगा? कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। अभी जनता बीजेपी से संतुष्ट है। महंगाई है, टमाटर महंगा है, इतना सब चीज महंगा। टमाटर तुम थोड़ी लगाओगे टमाटर मार्केट में? ये तो प्रकृति है, प्रकृति ऊपर नीचे होगी, प्रकृति ऊपर नीचे होगी। एक्यूरेट कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई नेता सब्जी लगा के थोड़ी बेचेगा। आप लगवाओ आदमी को, अलाल मत करो। सैलरी बढ़ रही ना, जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग की थी उससे सैलरी बड़ी नहीं बढ़ी। टमाटर खरीदे कितने किलो ले जाते थे? हम तो कितने ले जाते हैं, सब खाते थे, संतुष्ट है। मोदी ने महंगाई कर दी। मेरी बात सुनो, बीजेपी की सरकार ने दो चीज बहुत अच्छी करी, एक जमीन का रेट करा कम और एक कमीन का रेट करा कम। जमीन और कमीन का रेट कम करा, नहीं तो जमीन भी बहुत ऊपर जा रही थी और कमीन भी बहुत ऊपर जा रहा था। दोनों का रेट कम कर दिया। लेकिन कह रहे हैं महंगाई के चलते इस बार बीजेपी गई। महंगाई तो देखो ये प्रकृति है, ऊपर नीचे होएगी, इससे कोई नहीं टक्कर ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। हाँ कांग्रेस वाले ले कुछ भी नहीं करेंगे, कांग्रेस वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कह रहे हमारी सरकार थी महंगाई कम थी। अरे भैया ऐसी बात ही है, कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई कम थी क्या? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। क्या आपको लगता है? कह रहे टमाटर बड़े महंगे कर दिए थे मोदी ने, किसी ने महंगे नहीं करे। आज टमाटर 10-15 रुपए किलो बिक रहा है, कोई संतुष्ट है? कोई बोल रहा है खुश है? ऊपर नीचे चल रहा है, आज किसान को घाटा हो रही है, उससे क्या है? फिर ऊपर नीचे चलता रहता है, चलता रहेगा ऊपर नीचे। चुनाव में क्या लगता है अंकल जी, आप बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? बीजेपी आ रही है, कोई कांग्रेस को क्यों नहीं लाना चाहता ये बताइए? अब बीजेपी अच्छे काम कर रही है तो बीजेपी आएगी। कांग्रेस अभी कोई भी बात एक्यूरेट नहीं बोल रही है, ठीक है? बीजेपी जो बोल रही है पूरी एक्यूरेट बात बोल रही है, हर बात को, हर काम को। अभी वादे ऐसे कर रही है कि पूरे करेगी, 500 रुपए में सिलेंडर कहाँ भरेगी, पूरे नहीं कर पाएगी, वो अभी व्यवस्था नहीं है उसके पास। 15 महीने की सरकार बनाई, किसानों का कर्जा माफ, 200 रुपए तो डिस्काउंट दिया अभी सरकार। ये बताइए कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार नहीं सर, नहीं सर बीजेपी बन, बीजेपी मामा मोदी जी। मोदी क्यों? मोदी क्या भैया? हर घर मोदी क्यों? मोदी ने काम अच्छे किए हैं। मोदी है तो देश है, नहीं तो कुछ नहीं है। मोदी है तो कुछ नहीं है, मोदी है तो देश है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्यों? कांग्रेस में राहुल गांधी है जो, कुछ नहीं है, वो तो गूंगा है। आलू को सोना बनाता है वो तो। आलू को सोना तो सोना मिलेगा, बनाओ उनको समोसे में क्या सोना डालेंगे हम? आलू की जगह क्या सोना डालेंगे?
कमलनाथ जी भी हैं, कह रहे हमारे कमलनाथ जी नहीं कड़कनाथ जी हैं। क्या बोला? कड़कनाथ जी हैं वो। नहीं, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में सुनिए ना, अच्छा सुनिए, शिवराज सिंह चौहान मामा ओनली फॉर। अगर आप चाहो तो हमारे मोदी जी को भी बिल्कुल साइड में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको रिटायरमेंट देके बैठा दो और हमारे योगी जी को पीएम की सीट पे ले आओ, उससे बहुत अच्छा है। योगी जी पीएम बन जाएंगे तो क्या पूरी तरह से हमें हमारा हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। गठबंधन तो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। कौन सा गठबंधन? स्टालिन स्टालिन कर रहा है। कौन मिटाने की बात? स्टालिन स्टालिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे सनातन को कौन मिटाएगा यार, जब सूर्य उदय भगवान रंग से होता है और शाम भी उससे होती है तो उसको कौन मिटा सके? मिटाने वाला तो ऊपर वाला है और नीचे वाले कोई नहीं है, मिटा कोई नहीं सकता उसको। कि सनातन को कोई नहीं मिटा सके, बहुत परसों पुराना है, बहुत पुराना धर्म है, इसी को कोई भी नहीं मिटा सकता। 73,000 वर्ष पुराना है सनातन। जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि सनातन को मिटा देंगे, नष्ट कर देंगे, सोच रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं वो कब, वो किसके द्वारा, किसके द्वारा जो सोच रहे हैं ना, वो हम सनातनियों के द्वारा पैदा किए हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी की रैलियों में जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो उनको आपत्ति हो जाती, क्या वजह है कि भारत माता की जय के नारे से कांग्रेस को आपत्ति? देखो इस चीज से तो राहुल गांधी को भी तकलीफ है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी सपोर्ट करती है। देखो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी करती है मुस्लिम पार्टी। देखो मेरी बात सुनो, जल्दी बोलो भैया। देखो कांग्रेस पार्टी करती है मुस्लिम पार्टी सपोर्ट करती है, और जो मुस्लिम पार्टी सपोर्ट करेगी वो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं राहुल गांधी को पप्पू है। कौन राहुल गांधी? पप्पू है यार, युवन कौन है? युवन कौन है? पप्पू है। उसको ढंग से भाषण देना तो आता नहीं है, काय का युवा नेता? पप्पू है पप्पू। अरे भाई साहब, अगर राहुल गांधी अगर सच्चा अच्छा नेता होता तो आज जो 75,000 की जनसंख्या होती वो उसके बारे में गलत नहीं बोलती। राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोलती, पप्पू राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोलती। मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। राहुल गांधी को पप्पू नहीं बोलती। आज देश की मेरी बात सुनो। आज अगर नरेंद्र मोदी को इंसान अच्छा बोल रही है तो क्यों बोल रही है आप बताओ ना? आज अगर राहुल गांधी को इंसान चुप रहे आज अगर राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को इंसान अच्छा बोले तो क्यों बोल रही है? अगर मेरी बात सुनो, आपके पिताजी अच्छे हो तो आपके पिताजी को लोग अच्छे बोलेंगे ना, आपके पिताजी गलत होंगे गलत बोलेंगे ना। मेरी बात सुनो, अगर ओ ओ ओ अगर मेरी बात सुनो, अगर नरेंद्र मोदी गलत होता, नरेंद्र मोदी गलत होता तो आज के दिन की जनसंख्या अगर लालू गांधी को नरेंद्र मोदी गलत नहीं बोलती। मेरी बात सुनो। नरेंद्र मोदी ने भेनगड़ा एक दुनिया एक कर दी, दुनिया एक कर दी। मेरी बात सुनो, सुनो आराम से यार, मेरी बात सुनो, चलो चलो चलो। हिंदुस्तान को दुनिया नहीं पहचानती थी, हिंदुस्तान को दुनिया नहीं पहचानती थी, और आज हिंदुस्तान को दुनिया पहचान रही है। अमेरिका का अमेरिका पीछे चल रहा है, अमेरिका मतलब इतना नाम कर दिया मोदी। अमेरिका ब्रिटेन यूएस जर्मनी और बड़े बड़े देश पीछे चल रहे हैं, भारत के पीछे चल रहे हैं। बड़े बड़े देश पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े देश। सुनो और सुनो। अगर मोदी बोल दे कि मेरे ऐसा चल, मोदी और बोल दे, मोदी बोल दे, और सुनो मोदी बोल ऐसे चलो तो अमरीका ऐसे चलेगा, मोदी बोल ऐसे चलो तो अमरीका ऐसे चलेगा। सुनो 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 मेरी बात सुनो, ओ मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, ओ मेरी, और मेरी जय जय श्री राम। सुनो कांग्रेस मेरी बात यार, मेरा आखिरी सवाल है ये बताइए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनवानी?
मतलब शिवराज मामा बीजेपी बीजेपी शिवराज मामा मामा शिवराज मामा शिवराज मामा।